उत्तराखंड उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा उपवन प्रभाग के अंतर्गत आने वाले भगचूरी गांव के खेतों में गुलदार देखे जाने की घटना से क्षेत्र में दहशत फैल गई है। खेत में अपने दो बच्चों के साथ घूम रही मादा गुलदार का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं ग्रामीणों द्वारा इस बात की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दिए जाने के बाद विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। विभाग की गश्ती टीमों के द्वारा संभावित क्षेत्रों में दिन और रात गश्त की जा रही है। उपवन प्रभाग की प्रभागीय अधिकारी संचिता वर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि भागचूरी ग्राम क्षेत्र में आबादी क्षेत्र के पास एक मादा गुलदार अपने दो बच्चों के साथ देखी जा रही है, जिस पर निगरानी रखने के लिए विभाग के द्वारा टीमें लगा दी गई हैं। साथ ही सुबह शाम की गश्त भी बढ़ा दी गई है। को कल ये सूचना मिली थी और कि वहाँ पर भगचूरी गांव में एक गुलदार रहा है, वहाँ पर देखा जा रहा है। उसके साथ उसके दो कब्स भी हैं, तो उसके लिए हमने अपने खटीमा रेंज के स्टाफ को वहाँ पर भेज रखा था। और अभी हम यही देख रहे हैं कि उसका मूवमेंट क्या है। ट्रैप कैमरा लगवाने हेतु भी हमने निर्देशित कर दिया है वहाँ पर, और दिखाई भी दे रहे हैं दो बच्चों के साथ। वो मादा जो गुलदार है वो वहाँ पर दिखाई दे रही है। और लगातार हमने जो टीमें बना दी हैं, रात्रि के लिए अलग टीम, दिन के सुबह और शाम के लिए अलग टीम, तो जो टीमें हैं वो नियमित रूप से वहाँ पर गश्त करेंगी और जो भी गुलदार का मूवमेंट है उस पर अपनी नज़र बनाए हुए रखेंगे। गाँव वालों को भी हमने एक मीटिंग करके वहाँ पर सजग कर दिया है कि आप लोग क्या करें और क्या ना करें इस स्थिति में। तो अभी तो हम लोग अभी गश्त पर टिके हुए हैं कि हम गश्त अपनी नियमित रूप से वहाँ पर रखें और किसी भी असावधानी से बचें। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।